चमोली के पोखरी विकासखंड में पहाड़ों में बसा एक गांव खतरे की जद में है। निगोल नदी के तेज बहाव की वजह से पूरा का पूरा सलान गांव भूस्खलन की जद में है। गांव में 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं जो सरकार से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ये मेरे आवासीय मकान है और ये क्षतिग्रस्त है। विगत कई वर्षों से यहाँ पे जो है पूरा गांव भूस्खलन के चपेट में है और हम जो है बड़े दुखी हैं। हमें रात नींद नहीं आती है और हम बड़े बेचैन रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें कहीं अतिरिक्त जगह विस्थापित करवाने की कृपा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं संवाद 365। आज हम संवाद 365 की टीम जो है वो जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के सलना गांव में पहुंची हुई है। ग्राउंड जीरो से जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये ठीक आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहां से लगभग 4-5 किलोमीटर जो है लंबा भूस्खलन हुआ है। ऐसे में यहाँ पर 100 से भी ऊपर परिवार हैं और एक शिक्षित गांव यहाँ सलना को माना जाता है और ग्रामीण बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। रात्रि समय में इनका जो सोने के लिए बेहद ही दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो मकान हैं अधिकांश मकानों की जो दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई है। उन पर तमाम प्रकार से दीवारें बैठी हुई है। साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार विस्थापन की मांग उत्तराखंड सरकार से कर रहे हैं और कई बार स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पत्राचार कर चुके हैं, बावजूद उसके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके कानों में कोई भी जूं नहीं रेंग रहा है। ऐसे में सवाल ये है, आखिर ग्रामीणों की भविष्य के साथ उनकी जान माल के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? यदि वास्तव में यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हैं तो जनता चमोली का जो सोया हुआ प्रशासन है उसको कहीं ना कहीं गाँव में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए कि कितने परिवार जो हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में लगातार ग्रामीण परेशान नज़र आ रहे हैं। अब इनकी मांग है कि लगातार जो पूरा सलना गांव है इसको विस्थापन किया जाए ताकि आने वाले समय में राहत मिल सके और कहीं ना कहीं यहां पर कभी भी एक बड़ा भूस्खलन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन में है। और उसके चलते यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, चाहे सड़कें हैं चाहे तमाम चीज़ें हैं, लगभग हर जगह पर भूदशाव जारी है। संदीप बर्तवाल, संवाद 365 पोखरी।